Good morning. Today I am going to continue periodic classification for class 10. Today's topic is Mendeley's periodic classification or Mendeley's periodic table. कल मैंने आपको बताया था WS के विषय में और Mendeley's के विषय में. आज मैं बताने जा रहा हूँ Mendeley's के विषय में. आपको यह समझना है कि Mendeley's के समय तक 63 एलिमेंट ही ज्ञात था. तो उस समय जितना भी एलिमेंट ज्ञात था उसको Mendeley's ने अरेंज किया इन सच ए वे दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ ए इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल. एक निश्चित अंतराल के बाद वो दोहराते जाएगा और इसी बेस पर उसने अपना पीरियडिक क्लासिफिकेशन Mendeley's क्लासिफिकेशन is based on atomic masses. The properties of elements are a periodic function. According to Mendeley's, the properties of elements are a periodic function of their atomic masses. ये एक निश्चित संबंध है प्रत्येक एलिमेंट का एक दूसरे से और उसी के आधार पर इसको अरेंज किया गया. Mendeley's के क्लासिफिकेशन में कुछ अच्छी बातें रही जिसको हम लोग मेरिट्स ऑफ Mendeley's पीरियडिक टेबल के नाम से जानते हैं. तो Mendeley's ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि भविष्य में कुछ और भी एलिमेंट खोजा जा सकता है या खोजा जाएगा. तो उसने अपने पीरियडिक टेबल में उस गैप को खाली छोड़ दिया और जिससे कि आगे आने वाले एलिमेंट जो खोज होगी उस टेबल को बिना डिस्टर्ब किए उसको एडजस्ट किया जा सके. Mendeley's के पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप रखा गया. देर आर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स इन Mendeley's पीरियडिक टेबल. कुछ जो मेरिट्स उसका था उसको देखिए क्या सब था. तो Mendeley's पीरियडिक लॉ प्रेडिक्टेड the existence of some element that had not been discovered at that time. उस समय तक जो कुछ एलिमेंट ज्ञात नहीं था तो Mendeley's ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि भविष्य में कुछ और भी एलिमेंट खोजे जा सकते हैं. तो दूसरा Mendeley's periodic table could predict the properties of several elements on the basis of their position. पोजिशन के हिसाब से उसने प्रेडिक्ट कर लिया था कुछ एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के विषय में. बाद में बहुत सारे नए एलिमेंट्स आए सामने जिसको उस टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए एडजस्ट किया गया. और जैसे लाइक कुछ नाम हम बता रहे हैं जिसमें गैलियम, एस्टेनियम, जर्मेनियम, ये कुछ नाम हैं जो टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए उस वहाँ पर उस स्लॉट में एडजस्ट कर दिया गया. एक और रहा Mendeley's पीरियडिक टेबल कुड अकोमोडेटेड नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड. उस समय तक नोबल गैस के विषय में जानकारी नहीं थी. जब नोबल गैसेस के विषय में जानकारी मिली तो उस टेबल को बिना डिस्टर्ब किए एक अलग स्लॉट बना दिया गया और जिसमें उसको एडजस्ट कर दिया गया क्योंकि नोबल गैस केमिकली रिएक्टिव होता है. तो ये कुछ अच्छी बातें रही Mendeley's क्लासिफिकेशन में. लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन भी रहा. जैसे Mendeley's टेबल में द पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन. आइसोटॉप के विषय में एक्सप्लेन नहीं किया गया. आप जानते हैं आइसोटॉप्स जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन मास 12 है. लेकिन उसके दो आइसोटॉप हैं कार्बन 12 और कार्बन 14 और दोनों जब मास हम अलग करते हैं तो दोनों को एक ही स्लॉट में रखना ठीक नहीं था. तो इस आधार पर आइसोटॉप के विषय में वो Mendeley's कुछ क्लियर नहीं कर पाए. दूसरा रॉन्ग ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक अब देखिए कोबाल्ट निकेल का डिफरेंट मासेस है लेकिन
आप उस पीरियडिक क्लासिफिकेशन में मेंडलीफ के पीरियडिक टेबल में उसको एक ही शॉट में रख दिया गया है, एक ही जगह रख दिया गया है। तो इस तरह बहुत सही नहीं था वो। आयरन कोबाल्ट में के मासेस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, लेकिन उसको एक दूसरे से काफ़ी दूर रखा गया। और तीसरा था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन मेंडलीफ पीरियड टेबल। हाइड्रोजन के पोजीशंस को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन इसने एक आधार दिया और ये बहुत ही परफेक्ट रहा। इसके बाद 1913 एक रशियन साइंटिस्ट थे, हेनरी मोस्ले, उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर विल बी द बेस्ट वे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक नंबर बेस्ट तरीका हो सकता है क्लासिफिकेशंस के लिए। तो इसी काम को आगे बढ़ाया नील बोर ने, जिसको हम लोग आज पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल के नाम से, नील बोर्स पीरियड टेबल जो बेस्ड है। नील बोर्स पीरियड टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। वी विल क्लियर इट टुमारो। थैंक यू।